फ्रेंड, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। आज का वीडियो बहुत कमाल होने वाला है। वजह देख लिया टाइटल वगैरह, टाइटल तो देख लिया, लेकिन इससे पहले मैं इंट्रो दूंगा। मेरा नाम वजाद और मेरे साथ नदीम, मेरे अब्बू हैं, ठीक है। और आज का वीडियो हम दोनों मिलके जो रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है, वो है कि मतलब कि इंडियन करेंसी इतनी स्ट्रॉन्गर क्यों है पाकिस्तानी करेंसी से। तो ये पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन है कि पाकिस्तानी पब्लिक ने इसके बारे में क्या बोला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल लिंक इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो पापा देखते हैं ना अभी मिलके, बिल्कुल आगे पता क्या सीन है तो क्या सीन नहीं, क्या बोलते हैं ये लोग, क्या वजह देते हैं। चलो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। वालेकुम सलाम सर, आपका नाम? हबीब। हबीब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानी और भारतीय करेंसी की वैल्यू में जो डिफरेंस आया है वो आपके नजदीक क्यों आया? इसकी काफी सारी रीजंस हैं। एक रीजन ये है कि हमारी पाकिस्तान की इम्पोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट उस हिसाब से कम है। बहुत कम है एक्सपोर्ट की वजह से होता है कि हमें बाहर पैसा भेजना पड़ता है डॉलर्स, हमारे वैल्यू सारी डीवैल्यू हो जाती है मनी। बिल्कुल इंडिया का ये कि उनकी अपनी इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा, वो लोग लोकल इंडस्ट्री पे ज्यादा तवज्जो देते हैं इंडिया में। बाहर के लोग आके वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाएं, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे करें, इसी वजह से वहाँ पे प्राइसेस भी कंट्रोल है। पॉपुलेशन के बहुत सारे फायदे होते हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन के कुछ नुकसान होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन का सबसे बड़ा फायदा भी ये होता है कि आपकी लेबर फिर चीप होती है, बिकॉज यू हैव ह्यूज नंबर ऑफ पीपल। द सेम मॉडल वॉज यूज बाई चाइना टू ग्रो, तो चाइना ने भी सेम मॉडल यूज़ किया, उसने सबसे पहले अपनी पॉपुलेशन को यूज़ किया, पॉपुलेशन को उसने स्किलफुल बनाया, उसको एजुकेट किया, और विद द पैसेज ऑफ टाइम एजुकेशन तो बहुत मैटर करती है फ्रॉम दिस लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी, अब वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एंड इंडिया इज़ डूइंग द सेम, इंडिया भी अपनी इकोनॉमी को आहिस्ता स्लोली स्ट्रेंथन कर रहा है, अपनी पॉपुलेशन को वो मजीद स्किलफुल बना रहा है, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दैट उनकी GDP पर कैपिटा जो है वो कंटिन्यूस इम्प्रूव कर रही है। पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी का जो फर्क आया वो क्यों आया? तो सर मैं आपसे पहले तो GDP रेट के हवाले से पूछूंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत का इट गोज इंक्रीज, यू नो, और हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो क्या वजह है? ऐसा वैसा बहुत डाउन हम लोग जा रहे हैं, मेनली रीजन से डाउन होता जा रहा है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये रीजंस हैं। क्योंकि हर कंट्री का जो मास रेट होता है या GDP रेट होता है वो उस चीज़ से कैलकुलेट किया जाता है कि आप वो टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा आगे जा रहे हैं या वो एजुकेशन में कितना ज़्यादा आगे जा रहे हैं। तो वो चीज़ इंडिया ने उस चीज़ पे फोकस किया है, हम लोगों ने नहीं किया है। क्योंकि हमारे पास उस वक्त जब आज़ादी हुई थी, जब इंडिपेंडेंस हम लोगों ने ली थी इंडिया से, जब हिंदुस्तान था पूरा, तो उस टाइम पर हम लोगों ने जब वो ली तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थी, हम लोगों ने फौज उनसे ली, हमारे पास कुछ बिजनेसमैन थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया उस चीज़ में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही हमारा बेहतर नहीं बना हुआ था, और आजकल के पॉलिटिशियंस ने उसको और ख़राब कर दिया है, जिसकी वजह से अवेयरनेस नहीं आ रही, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, तो उसकी वजह से लोग GDP भी कम हो रही है और हमारी करेंसी का रेट भी कम हो रहा है। मेरे ख्याल में इसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहत हैं। सो लाइक इंडिया में काफ़ी चीज़ों में आगे जा रहे हैं जो पाकिस्तानी जो हैं वो नहीं आगे जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, जैसे टेक्निकल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम वीडियो गेम्स टू टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, उनकी जो इवन देयर स्पोर्ट्स इज मच मच हमारे स्पोर्ट्स से काफ़ी बेहतर है। तो दैट कुड बी अ पॉसिबल रीज़न। इसलिए आप शायद ये भी देखते हैं कि इंडियन जो CEOs हैं मेजर कंपनीज के, जैसे गूगल का CEO सुंदर पिचाई इंडियन है, ये सारे रीजन है। अगर हम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि हमने भी इन सारी एरियाज में प्रोग्रेस करना है, तो शायद हमारी करेंसी भी उसी तरह हो। भारत में काफ़ी ज़्यादा IT स्पेशली बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स की तरफ बहुत ज़्यादा काम किया गया है पिछले सालों में। पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे की तरफ जा रहा है, बट बिकॉज उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो एफर्ट्स लगाए हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन के, स्पेशली उन्होंने बहुत काम किया फ्रॉम पब्लिक स्कूल्स टू प्राइवेट स्कूल्स, उससे बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा नौकरियाँ मिली हैं। हम अगर देखें तो बाहर के मुल्कों में भी बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, जैसे गूगल है, याहू है, वहाँ पे भी इंडियंस ही बैठे हैं, ठीक है, इंडियंस का राज है पूरी दुनिया में। उस लिहाज से उन्होंने कोई ऐसे नहीं है कंपनी जिसका CEO और इंडियन ना हो। आपको क्या लगता है कि करप्शन का कितना बड़ा किरदार होता है किसी की इकोनॉमी में? क्योंकि डेफिनेटली इकोनॉमी से ही आपके जो करेंसी होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। देखिए करप्शन हर जगह, अगर आप कंपेयर करें ना दुबई, तो दुबई में भी बहुत करप्शन है, पेरिस में भी, स्विस अकाउंट्स में भी, ये सारा करप्ट ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी से इकोनॉमी चलती है आप लोगों की, लेकिन फ़र्क ये है कि आप अगर आपको 10 रुपये मिलते हैं ना, तो एटलीस्ट आप 4-5 रुपये खर्च करें, मुल्क के ऊपर भी खर्च करें, ना कि से 9 रुपये खा जाएँ और 1 रुपये खर्च करें। अब अगर आपको एक रोड का ठेका मिलता है, 100 रुपये ऑफ रोड मिले हैं,
आप उसमें से दो रुपए लगाते हैं, दो रुपए तो वो दो हफ्ते में रोड टूट जाएगी। बिल्कुल। तो इसीलिए आप उसमें से एटलीस्ट 5-6 रुपए आप लगाएं ताकि रोड भी हो, रिनोवेशन करनी आप कर लें। बिल्कुल, ये तो मैं एग्री करूंगा, लेकिन दिस इज नॉट द कॉज के पाकिस्तान और इंडिया की करेंसी में जो फर्क है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ करप्शन। लेकिन करप्शन इंडेक्स में आप देखें तो इंडिया और पाकिस्तान ऑलमोस्ट कंपेरेबल हैं, सेम ही पॉइंट्स हैं दोनों के। लेकिन द डिफरेंस इज जस्ट बिकॉज कि इंडिया इज़ अ ह्यूज इकॉनमी और वहाँ पर द मोटिवेशन फॉर अदर कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन दैट कंट्री इज मच मोर हायर देन मोटिवेशन ऑफ इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। तो दैट्स वाई करेंसी डिफरेंस है। इफेक्ट हमारी करेंसी हो रही है पाकिस्तानी रुपीस, और वो दुनिया भर में जब वो एक इमेज जाता है तो उसमें ये होता है कि हमारी जो हमारे पैसे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तानी होने की वो इस वजह से है क्योंकि अगर बाहर से ऊपर से सपोज करें कि हमारे लिए बजट आ रही है 2 करोड़, एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वहाँ से जब ये यूनियन काउंसिल तक पहुँचती है, गवर्नमेंट से लेकर यूनियन काउंसिल तक, तो ये हो जाती है 2 लाख रुपए। ना, 2 करोड़ से 2 लाख आप अंदाजा लगाएं। यूनियन काउंसिल का जो नाजिम होता है वो रख लेता है, तो अवाम के पास कुछ नहीं बचता है। इसकी वजह से हम लोगों ने क्या करना होता है कि कर्जे लेने होते हैं। कर्जों, अगर आप किसी से कर्जा ले रहे हो तो आप रिसोर्सेज को आप उनके पास रखोगे एज ए सिक्योरिटी। उसकी वजह से हमारी जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो हम लोग बाहर दे रहे हैं। 1947 के बाद ही ऑफिशियली दोनों ममालिक में करेंसी का आगाज हुआ था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वैल्यू हमारी डिक्रीज होती गई, उनकी इंक्रीज होती गई। आपको क्या लगता है कि हमें भारत से क्या सीखने की जरूरत है या कौन से पॉइंट हमें समझने की जरूरत है जिसके बाद हमारी सिर्फ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और हम जो हमारे जितने भी यहाँ पे रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ किया जाए तो हमें ना तो इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी बल्कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। बल्कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएट लिया है, इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट कर रहे हैं। सियालकोट में, फैसलाबाद में बंद इंडस्ट्रीज़ हमारी चल पड़ी हैं, हमारा लेबर ओवर टाइम की तरफ आ गया है और जितनी अनएम्प्लॉयमेंट थी उन सेक्ट जगहों पे वो बहुत ज़्यादा फिलअप हो गई है। तो अब जो है ना हमारे पैसे की वैल्यू, अब आप डॉलर भी देखेंगे ना काफ़ी अर्से स्टेबल है, तो अगर ये इसी तरह चलते रहेंगे तो हमारी वैल्यू भी जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानी करेंसी की, इवन पाकिस्तानी की भी उतनी वैल्यू नहीं है, जिस वजह से बाहर के जो ब्रांड्स होते हैं वो यहाँ पर ना ही आते हैं ना ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है हम किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं? कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जो इस तरह की MNCs को इनकरेज करें, मतलब कि कोई टैक्स ब्रेक दे दी, कोई टैरिफ दे दिया, मे बी चीपर यू नो रॉ मटेरियल जैसे लैंड हो गया, लेबर या इस तरह की चीज़ें सस्ती दी जाए ताकि उनको इनकरेज किया जाए, उनको दिखाया जाए। सो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे टेक स्टार्टअप्स थे जो आए थे और वो फिर चले गए क्योंकि उन्होंने हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी टेक फेवरेबल नहीं थी, क्योंकि हम जरा पसंद नहीं करते जो भी है। तो इस तरह की पॉलिसीज़ ऐसी लाई जाएँ जो उनको अट्रैक्ट करें, अपील करें। और इधर हुई ये वीडियो ख़त्म। तो यार पापा जी बात दरअसल ऐसी है ना कि इंडिया की इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल है कि इंडिया में हर एक चीज खुद बनती है। बिल्कुल, लोकल लोकल हर चीज खुद बनाते हैं, वो बार बार इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ती, नहीं करनी पड़ती इम्पोर्ट। अब इंडिया बहुत ही कम चीजें जो इम्पोर्ट करते, देखे गाड़ियां ना वो इम्पोर्ट करता है, खुद उनके उनकी कंट्री में सामान बनता है, उन्हीं की कंट्री में वो चीज बनती है, चाहे मर्सिडीज उल्टा बाहर जाती है एक्सपोर्ट होती है, लेकिन बाहर से आई नहीं है वहां पे गाड़ियां। कभी आपने सुना है कोई जापानी गाड़ी इंडिया में आई हो वहां पे चल रही? नहीं सुना। और पापा जापानी से अच्छी अच्छी गाड़ियां इंडिया में बन रही हैं, मर्सिडीज, BMW, जैगवार, रेंज रोवर, हर एक कंपनी वहां पे भाई अपना खोल के बैठ के एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हाँ, इंडिया वाले गाड़ियां एक्सपोर्ट भी बाहर मुल्कों को दे रहे हैं। और अभी मजे की बात है, मोबाइल नहीं आईफोन वगैरह वो भी इंडिया में ही बन रहे हैं। सैमसंग भी इंडिया में अपने फोन बहुत सारे बना रहे हैं। उनको जो उनका पैसा है ना वो बाहर नहीं जाता, इधर ही रहता है, उल्टा वो बाहर से पैसा ला इधर ही लगाते हैं, इधर ही लगाते हैं, तब उनकी जो मशीयत है बेहतर है। बिल्कुल। और पापा रुपया भी स्ट्रांग है, स्ट्रांग पापा दिन ब दिन स्ट्रांग होते हैं। अब 2.5 रुपए से अब पाकिस्तान को देख लें, बाहर से चीज मंगवाता है तो वो पाकिस्तानी करेंसी में तो नहीं लेते, उनके इनको डॉलरों में उनको देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। फिर इधर से डॉलर गया तो हमारी इधर में गया ही शुरू। बिल्कुल, यही बात है पापा, यही सारी गेम है। और यार मजे की बात ये है ना पापा, देखे वो बाहर पैसा लगाते हैं ना इंडिया में, तो इंडिया से चीज लेते हैं। बिल्कुल। और इंडिया में वो चीज बनती है और इंडिया से उस पर टैक्स वैक्स जो कुछ लगता है फिर वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। जिस चीज पाकिस्तान में जिस चीज की कमी आ जाती है बाहर से मंगाओ, ये नहीं कि कुछ ऐसे इकदाम करें इमरजेंसी तौर पे कि सारी चीजें इधर बने तब महंगाई काम होती है, लोगों के काम भी चलते हैं। पहले इंडिया में भी यही कहानी थी, जब से मोदी जी आया है ना उसके बाद उसने एक तहरीक चलाई है मेक इन इंडिया के नाम से,
मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया हाँ, उसके बाद से ना हर एक चीज इंडिया में बनना शुरू हुई है। उसके बाद तहरीक चली है पापा, मैं कहता हूँ कि इंडिया को मोदी जी ने अपने टांगों पे खड़ा कर दिया उस टाइम। अगर दो चार साल और मोदी जी रहते हैं तो इंडिया चाइना से भी आगे निकल जाएगा। वो मतलब चाइना से आगे तो नहीं, लेकिन ये है कि उसको टक्कर दे सकेगा। बिल्कुल, इंडस्ट्री हर कोई मोदी जी अपनी तरफ खींच रहा, इकोनॉमी इंडिया की बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। आज ही मजे की बात, आज ही रशिया को काट दिया है। अच्छा, फॉरेक्स रिजर्व नहीं है बाहर के, जो मैं बाहर के जो बैंक पैसा होता है आज काट दिया। अच्छा, आज काट क्लास मार गया इंडिया। आपको मैं परसों ही बता रहा था ना कि मतलब कि क्रास कर जाएगा, महीने तक, महीना भी नहीं, आज ही क्रास मार गया उसको। सोचने वाली बात है, इंडिया किधर चला गया। आज तीसरे नंबर पे इंडिया आ चुका है। तो पाकिस्तान कितने नंबर पे आ गया? पाकिस्तान अल्लाह ही हाफिज़ है, छोड़े पाकिस्तान। इधर तो इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है ना। नहीं ना पापा, बस यार हम यही उम्मीद करते हैं, हम यही पापा उम्मीद करते हैं कि हमारा पाकिस्तान भी आगे बढ़े, हमें भी अच्छे मोदी जी जैसे लीडर मिले, ताकि हमारा पाकिस्तान आगे जाए और तरक्की करे, हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं। तो आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा? आज वीडियो तो अच्छा लगा, पर नहीं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।